वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, दिस इज अंशिका मिश्रा फ्रॉम पार्थ एजुकेशन यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। और एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हूँ एक प्रैक्टिस सेट लेकर के। आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो पीबी शैली पर बेस्ड है मोस्टली, और ये प्रैक्टिस सेट बेनिफिशियल है टीजीटी के अलावा, पीजीटी, जीआईसी या फिर नेट का एग्जाम या फिर कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट है। जूनियर एडेड में भी आपको दिया हुआ है, जो कि इंग्लिश हिस्ट्री पूरी दी हुई है आपको पढ़ने के लिए, और मेजर राइटर्स दिए हुए हैं। तो रोमांटिक एरा की जब हम बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पीबी शेली और जॉन केट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसटी कॉलरिज के साथ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन केट्स, एसटी कॉलरिज, ये प्रोमिनेंट राइटर हैं रोमांटिक एरा के, और आपको प्रोमिनेंट राइटर पढ़ने होते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो पीबी शैली पर है, और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और ये देखने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है और आपकी तैयारी कितनी हो रही है। क्योंकि तैयारी करना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को टेस्ट करते जाएंगे तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी और चीजें आपके लिए और भी अच्छी हो जाएंगी और भी आसान हो जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कंपोजिंग दिस पोयम शेली हैड द पेटरलू मैसेकर ऑफ अगस्त 1819 इन माइंड। आपको बताना है कि कौन सी पोयम थी जिसको कंपोज करते वक्त शेली के माइंड में पेटरलू मैसेकर, जो कि उस समय हुआ था 16 अगस्त 1819 में, वो माइंड में था। और वो आपकी शैली ने दो तीन पोयम्स लिखी हैं, उसमें से एक पोयम आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन है आपके लिए ओड टू द वेस्ट विंड, एपिशीडियन, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म या फिर हिलाज। आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगी, सही जो है वो क्या होगी। फोर ऑप्शन है आपके सामने, ओड टू द वेस्ट विंड, एपिशीडियन या फिर द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म या फिर हिलाज। तो चलिए, आपका जो ऑप्शन है पहला वो है ओड टू द वेस्ट विंड, एपिसीडियन की बात करते हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की बात करते हैं और हिलाज की बात करते हैं। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की जब बात करते हैं तो ये उनका वो वर्क था जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ये उनका वो वर्क था जो कि आया कब था, जो कि आया था 1811 में, ठीक है, 1811 में आया था। तो 1811 में द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आया था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और वहां से उनको बाहर कर दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था। एपिसीडियन की जब हम बात करते हैं तो एपिसीडियन जो वर्क है उनका वो 1821 में आया था, और ये उन्होंने प्लेटोनिक लव पर बेस्ड करके लिखा हुआ है लेडी इमिलिया विवेनी के लिए। तो लेडी इमिलिया विवेनी के लिए इन्होंने इस वर्क को लिखा था। हिलाज की जब बात करते हैं तो हिलाज उनका एक लिरिकल वर्क है, लिरिकल ड्रामा है, जो कि कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ था, तो 1822 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, कब पब्लिश हुआ था, 1822 में पब्लिश हुआ था। और किसको डेडिकेट किया गया था, तो अलेक्जेंडर मैवरोकॉर्डेट को डेडिकेट किया गया था, अलेक्जेंडरस ठीक है, अलेक्जेंडर मैवरोकॉर्डेट, जो कि इटली के एक सेक्रेटरी थे, उनको डेडिकेट किया गया था हिलाज। और ये लिखा गया था इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए मनी रेजिंग करने के लिए, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो मनी रेज करना था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हिलाज को लिखा गया था, ठीक है। तो ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर में जो पैसे इकट्ठा करने के सेंस से लिखा गया था हिलाज, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा गया था 1811 में, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी और रिलीजन, गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन अराइज किया था। एपिसीडियन लिखा था प्लेटोनिक लव और फ्री लव पर बेस्ड करके, जिसको कि उन्होंने इमिलिया विवेनी को डेडिकेट किया था। और ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि उनकी मास्टरपीस मानी जाती है, ये लिखा गया था 1819 में, पब्लिश किया गया था 1820 में, पब्लिश हुई थी 1820 में, और ये बेस्ड थी किस पर, पेटरलू मैसेकर की वजह से उनका जो माइंड था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन वन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है,
Which work of Shelley has been called among the sacred book of the world by William Butler East? आपको बताना है कि शेली की कौन से वर्क को विलियम बटलर ईस्ट ने अमोंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड कहा है. ऑप्शन है लियोन एंड सिंथिया, प्रोमेथियस अनबाउंड, मॉन्ट ब्लैक या फिर वॉल्फेस्टीन. आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा सही आंसर. जल्दी से आंसर दीजिए कि सही आंसर क्या होगा. तो लियोन एंड सिंथिया, जिसका की ओरिजिनल जो नेम है और ये दोबारा पब्लिश हुई थी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से. लियोन एंड सिंथिया दोबारा रिपब्लिश हुई थी रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से. मॉन्ट ब्लैंक, ये उनकी एक पोयम है जिसको उन्होंने लिखा था हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के साथ में. और वॉल्फेस्टीन जो है ये कैरेक्टर का नाम है. तो प्रोमेथियस अनबाउंड जो कि उनकी ग्रीक माइथोलॉजी से ली हुई एक बहुत ही फेमस वर्क है उनका, और उसके लिए विलियम बटलर ईस्ट ने क्या कहा है कि अमोंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड. तो सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने भी चूज किया है उनका बिल्कुल सही है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर, प्रोमेथियस अनबाउंड. ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन चूज किया, वेरी गुड, वेल डन. बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोमेथियस अनबाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The following lines from a part of Shelley's The World is Weary of the Past, Oh my it die or rest at last. आपको बताना है कि ये लाइन किस वर्क से ली गई है. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं सभी को वेरी गुड आफ्टरनून. और आपको एक काम करना है, आपको एक काम ये करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको सही लगती है तो. चलिए, गुलनार कोई प्रॉब्लम होगी नेट की. तो यहां पर देखिए, फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ शेली द वर्ल्ड इज वेरी ऑफ द पास्ट, ओह माइट इट डाई और रेस्ट एट लॉस्ट. आपको बताना है कि सही ऑप्शन इसमें क्या होगा. द वंडरिंग ज्यू, क्वीन मैब, हिलाज या माउंट ब्लैंक. चलिए, तो सही आंसर यहाँ पे बताते हैं आपको, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. हेलास जो ऑप्शन है, ठीक है, हेलास जो उनका एक वर्क था जिसको भी मैंने बताया कि जो कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए मनी रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था और जिसको डेडिकेट किया गया था द कह सकते हैं मैजेस्टी जो ग्रीक सेक्रेटरी थे उनको डेडिकेट किया गया था, अलेक्जेंडर मैवरोकार्डस को. तो वो वर्क था हेलास, और हेलास से ही ये जो लाइन है ये ली हुई है. तो ये जो लाइन है ये कहां से ली हुई है, ये हेलास से ली हुई है जो कि उनका एक लिरिकल ड्रामा था. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है. ठीक है, क्या है ये, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि शेली मेंशन द फॉलोइंग फिगर रूसो, फ्रांसिस बैकन, प्लेटो एंड नेपोलियन बोनापार्ट इन हिज वर्क. उन्होंने ये फेमस फिगर्स, जो फेमस मेन थे, उनको किस वर्क में अपने मेंशन किया है. द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, जूलियन एंड मैडिलो, जेस्ट्रोजी और द सेंसी. जल्दी से बता दीजिए. सिमी वेट कीजिए, ये फेब्रुवरी एंड होने का, फेब्रुवरी एंड होगी उसके बाद ही आपको कोई इससे रिलेटेड न्यूज मिल पाएगी. तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास फोर थे, और रूशो, फ्रांसिस बैकन, प्लेटो और नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र उन्होंने किस वर्क में किया है ये आपसे पूछा गया था. जो मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट है उनको बिल्कुल सही बताना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाते वक्त आपको मेंशन भी किया हुआ है कि सही आंसर इसका क्या होगा, किस वर्क में उन्होंने ये फेमस मैन, फेमस पर्सनैलिटी की बात की है. तो वो ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, यानी द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, जो कि उनका एक वर्क था द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, और इसके बारे में उन्होंने, इस बुक में उन्होंने किसकी बात की है, रूसो, फ्रांसिस बैकन, प्लेटो और नेपोलियन की बात की है. तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. जूलियन मैडलो की जब बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है जूलियन और मैडलो की लिखी है. तो जूलियन और मैडलो उनका एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में, एक डायलॉग फॉर्म में वर्क था जिसमें जूलियन शेली को रिप्रेजेंट करता है और बायरन को रिप्रेजेंट करता है मैडलो. ठीक है, बायरन को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैडलो रिप्रेजेंट करता है, और जूलियन को रिप्रेजेंट करते हैं खुद शेली. जेस्ट्रोजी उनका पहला वर्क था, गॉथिक नॉवेल थी, इसको उन्होंने अपने इटॉन कॉलेज के लास्ट ईयर में लिखा था. और द सेंसी उनका एक बहुत ही अच्छा लिरिकल ड्रामा है, ट्रेजेडी है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज गुड अ गॉड एज
इट वी आर इन द आई। चलिए ये क्वेश्चन कुछ मिल्टन से आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, टीजीटी हो या जीआईसी हो या टीजीटी हो, मिल्टन जीआईसी में तो है ही, तो जीआईसी में आपको मिल्टन देखना ही देखना है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इन विच ऑफ हिज ट्रैक्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई। ये किस से लिया गया है, एरियोपैजिटिका, दे डॉक्ट्रीना क्रिस्टीनियाना, या फिर टेट्रोकॉर्डेन, या फिर कोलेस्ट्रेरिन। यस, तो सही आंसर है इसका एरियोपैजिटिका, जो कि मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि अगर आप बुक के ऊपर कोई भी सेंसर लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ, एजुकेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और ये उनका बहुत ही फेमस वर्क था जो कि 1644 में आया था। और साथ ही साथ ये अदर उनके ट्रैक्ट हैं, दे डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना, ये लैटिन में लिखा गया है, टेट्रोकॉर्डन और कोलेस्टेरियन, ये आपके डाइवोर्स ट्रैक्ट के पार्ट हैं, ठीक है, डाइवोर्स ट्रैक्ट के पार्ट हैं टेट्रोकॉर्डन और कोलेस्टेरियन। और साथ ही साथ ये उनका एक और ट्रैक्ट है, और एरियोपैजिटिका आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखा गया, पहली फेमस, पहली बुक है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेर ऑफ विंग्स ऑफ इक्स्टेसी फ्रॉम द प्रो। यहाँ पर देखिए द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, तो चलिए यहाँ पर आप बता दीजिए द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में, ठीक है, ये थॉमस ग्रे ने ये लाइन किसके लिए यूज करी है, आपको यही बताना है कि थॉमस ग्रे ने ये लाइन किसके लिए यूज करी है, शेक्सपियर के लिए, स्पेंसर के लिए, मिल्टन के लिए, या फिर डन के लिए। तो सही आंसर यस मिल्टन है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, मिल्टन के लिए थॉमस ग्रे ने ये लाइन लिखी है, मिल्टन को उन्होंने प्रेज किया है, ठीक है, मिल्टन को प्रेज करके उन्होंने ये लाइन लिखी है। मिल्टन के लिए बहुत सारे क्रिटिक्स के बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं, और आपको सारे कमेंट्स जरूर जानने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप उनकी पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सैमसन एगोनिस्टिस सोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। This is Greek. Greek tragedies. The story of Samson was akin to his own life, या फिर the bitter irony with which of could write, which he could write. तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ था कि सैमसन एगोनिस्टिस जो है मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है, ट्रेजेडी है, और उससे वो इंग्लिश में क्या लाना चाहते थे, और आप सबके जो आंसर है उसमें से मोस्टली लोगों ने बी वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है, तो बी ऑप्शन था यहाँ पे द ग्रेविटी एंड काम एंड डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज इज करेक्ट हियर। द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, ये सही नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ग्रेविटी है, जो सीरियसनेस है, जो कामनेस है, जो डिग्निटी है ग्रीक ट्रेजेडीज की, वो उसे लेकर के इंग्लिश में कोई ट्रेजेडी लिखें जो कि मॉडल किस पर हो, ग्रीक पर। इसीलिए सैमसन एगोनिस्टिस जो है वो तीनों यूनिटीज को फॉलो करती है, और वो एक क्लासिकल ट्रेजेडी है मॉडल्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है आपका ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ डज सेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। आपको बताना है कि ओड टू द वेस्ट विंड जो कि शेली की मास्टरपीस है, उसमें शेली ने खुद को कैसे कंपेयर किया है विंड के साथ। आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि एज चलिए As tumultuous, mighty and harmonious, या फिर tameless, swift and proud, impetuous and insanting, या फिर claimed and bold. तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, विंड के साथ उसने कंपेयर किया है कि जब वो चाइल्डहुड में था, ठीक है, जब वो क्या था, बच्चा था, तो वो बिल्कुल वेस्ट विंड की ही तरह टेमलेस था, वाइल्ड था, स्विफ्ट था और प्राउड था। तो ये लाइन कंपेयर की है शैली ने वेस्ट विंड के साथ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओ टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस बुक है, 1820 में पब्लिश हुई थी, टेरेजा रीमा में लिखी गई थी, यानी इसकी राइमिंग स्कीम चेंड राइम है, ए बी ए बी सी बी, ठीक है, तो सी डी सी जो चेंड राइम्ड होती है टेरेजा रीमा की, उसमें इसे लिखा गया है, बहुत ही फेमस वर्क है, ये एक ओड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि
क्वेश्चन क्या है? इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड सेली इनवोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज. आपको बताना है कि लास्ट स्टैंजा में शैली जो है वो वेस्ट विंड से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या बनने की रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोफेसी, कंपेनियन, एसेज या फिर लायर. जल्दी से आप बता दीजिए कि क्या सही होगा यहाँ पर. जल्दी से बता दीजिए कि जो वेस्ट विंड के लास्ट स्टैंजा है उसमें वो क्या बनने की कोशिश करते हैं. सेल इनवोक द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज, प्रोफेसी, कंपेनियन, एसेज और लायर. तो चलिए यहाँ पर सही आंसर जो है वो कंपेनियन नहीं है. कंपेनियन वो सेकंड स्टैंजा में बात करते हैं, कॉमरेड बनने की बात करते हैं, जब वो बताते हैं कि स्विफ्ट थी, मैं भी आपकी तरफ टेमलेस था, स्विफ्ट था, प्राउड था. लास्ट स्टैंजा में वो क्या बात करते हैं, लास्ट स्टैंजा में वो लायर बनने की, म्यूजिक म्यूजिशियन बनाने की बात करते हैं कि मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो, ठीक है, मुझे एज अ लायर एक वीड़ा की तरह से अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो और ताकि जो आपकी ब्रीथ है वो मेरी ब्रीथ के साथ मिक्स हो जाए. तो यहाँ पर लायर की बात कर रहे हैं, वो वीड़ा जो माँ सरस्वती अपने हाथ में लिए होती हैं, वीड़ा, लायर. तो लायर की बात करते हैं वो, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन विच पोम डू द फॉलोइंग लाइंस अकर, विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर. आपको बताना है कि ये लाइन किससे ली गई है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सेलीज, एडोनास, कीट्स, एंडिमियन, टेनेसंस, इन मेमोरियम या फिर अर्नोल्ड्स डोवाबीच. आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इसका. विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर. सेलीज एडोनास से ली गई है, किड्स की एंडिमियन से, टेनिसन की मेमोरियम से या फिर अर्नोल्ड के डोवरबीच से. यस, वेरी गुड, एडोनास से ली गई है, ठीक है. और ये क्वेश्चन भी कहें तो जीआईसी का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जीआईसी का. और सेली की एडोनास से ली गई है. सेली ने जो एडोनास लिखी थी वो किसके लिए लिखी थी, तो जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी उन्होंने 1821 में, ठीक है, 1821 में जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी. कीट्स की डेथ पर इन्होंने लिखा था, जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर इन्होंने लिखा था. स्पेंसरियन स्टैंजा में इसको लिखा गया है. स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइंस होती हैं, जिसमें से कि जो 8 लाइन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और जो 9वीं लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, ठीक है. तो स्पेंसरियन स्टैंजा में उन्होंने इसको लिखा था एडोनास को, ठीक है. और 495 लाइंस टोटल हैं इस एलेजी में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्या, ये एक एलेजी है, याद रखिएगा, ये है क्या, एक एलेजी है. और कैसी एलेजी है, पैस्टोरल एलेजी है. नेक्स्ट है, द फर्स्ट इमेज दैट सेली विजुअलाइज इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ. आपको बताना है कि जो फर्स्ट इमेज है शैली की, शैली की जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो 5 कैंटोज में डिवाइड है, 5 सेक्शन में डिवाइड है. और आपको बताना है फर्स्ट इमेज वो किस तरह से देता है वेस्ट विंड की. एन इंचेंटर, अ फियर्स मेनर्ड, द ब्लू मेडिटेरियन या फिर कॉमरेड ऑफ हिज वंडरिंग्स. आपको बताना है कि क्या सही आंसर है. यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए आ रहा है आपका और ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. एंड इंचेंटर, इंचेंटर की तरह से वो पहला जो कह सकते हैं विजन है वो देता है कि दाउ फ्रॉम होम अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइविन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फीलिंग फ्लीइंग. तो यहाँ पर देखो वो जो लीव्स हैं डेड हैं वो ड्रिवन हो रही हैं, भाग रही हैं, जैसे कि घोस्ट भागता है किसी इंचेंटर की प्रेजेंस से. तो यहाँ पर इंचेंटर की जो विजुअलाइज किया है, जो इमेज दी है वो किसकी दी है, एंड इंचेंटर की दी है. तक्यो यहाँ पर लीव्स को घोष की तरह से कंपेयर किया है सिमली का यूज करके. चलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही था. नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू सली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ ऑटम, विंटर, समर या स्प्रिंग. जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा सही आंसर. जल्दी से बताइए किसकी ब्रीथ मानी जाती है. यस, ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग.
स्प्रिंग की अज्योर सिस्टर कहा गया है वेस्ट विंड को, अज्योर सिस्टर कहा गया है स्प्रिंग सीजन की, और ब्रीथ ऑफ ऑटम कहा गया है वेस्ट विंड को, ठीक है। ब्रीथ ऑफ ऑटम और अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, वेस्ट विंड को क्या कहा गया है, अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग एंड ब्रीथ ऑफ बॉटम ऑटम। तो यहां पर क्या है, ऑटम इज करेक्ट हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए, ब्रीथ ऑफ बॉटम एंड अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, जब सिस्टर मैं पूछती तो आप स्प्रिंग का ऑप्शन वहां पर दे सकते थे, लेकिन अभी मैंने ब्रीथ पूछा है तो ऑटम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के है, कोई जीआईसी लेक्चरर का है, कोई पीजीटी का है, तो या फिर यूजीसी नेट के है, ये सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं जो कि कई बार रिपीट हो जाते हैं। इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, व्हाट डज द वर्ड डज मीन, आपको बताना है। ओड टू द वेस्ट विंड में एक वर्ड यूज हुआ है डर्ज ऑफ डाइंग ईयर, आपको बताना है कि ये डर्ज किस लिए यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है। अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, अर्स टू डू समथिंग, डिकेइंग ईयर, या फिर अ जॉयस मोमेंट। जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन सी भी है, ए भी है, तो यहां पर आप जान लीजिए कि वो कहता है कि डाउ डर्स ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, यानी वो डिकेइंग ईयर जो है उसके ऊपर मॉर्न कर रहा है। डर्स, एलजी, थ्रेनोडी, मोनोडी, ये सब एक ही फॉर्म के हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे स्पीकर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मॉर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि डिकेइंग ईयर के ऊपर मॉर्न किया जा रहा है, यानी डेथ हो रही है ईयर की और उसके ऊपर मॉर्न किया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, डर्ग यूज किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द वेस्ट विंड अवेकन, यहां पर वेस्ट विंड किसको अवेक करती है, द फियर्स मेनार्ड, द ब्लू मेडिटेरियन, द अटलांटिक ओशियन, या फिर द हेक्टिक रेड लीव्स। जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें। द फियर्स मेनार्ड, जिसके की हेयर के को कंपैरिजन किया गया है, जो कि वर्शिपर थी गॉड ऑफ फर्टिलिटी की, द ब्लू मेडिटेरियन, या फिर द अटलांटिक ओशियन, या फिर द हेक्टिक एंड लीव्स, जल्दी से बताइए। चलिए, तो यहां पर एक लाइन है इस पोयम में कि दाउ हु डिडस्ट वेकेंट फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले लल्ड बाय द क्वाइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। तो ये जो लाइन है कि समर ड्रीम से किसको जगा दिया था उन्होंने, मेडिटेरियन सी को जगा दिया था वेस्ट विंड ने, ठीक है। तो वेस्ट विंड ने मेडिटेरियन सी की जो समर ड्रीम थी, जो वो डिकेइंग टावर्स एंड पैलेसेस की जो ड्रीम वो देख रहा था, उससे उसे वेस्ट विंड ने जगा दिया था, जो लहरें थी वो ऊंची ऊंची उसमें उठने लगी थी। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द ब्लू मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटिफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइल्ड वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, ये लाइन किसने कही है, ये जल्दी से आपको बताना है कि ये लाइन किसने कही है शैली के लिए। ऑप्शन है मैथ्यू अर्नल्ड, टेनिसन, जॉन रस्किन, या फिर टिया सेलियर, जल्दी से बता दीजिए कि ये लाइन किसने कही है पीबी शैली के लिए। यस, द ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नल्ड, मैथ्यू अर्नल्ड ने ये लाइन कही है पीबी शैली के लिए कि पीबी शैली इज अ ब्यूटिफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग In the wide his luminous wings in vain. ये लाइन किसने कही है, मैथ्यू अर्नल्ड ने कही है, किसके लिए कही है, टिबी शेली के लिए कही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who said about Shelley he was alone the perfect singing god? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, Who said about Shelley he was alone the perfect singing god? Matthew Arnold, Charles Lamb, Swinburne, या फिर Tennyson, जल्दी से बताइए कि किसने इसको कहा है पीवी शैली के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पीजीटी के क्वेश्चन की बात अगर हम सिर्फ करते हैं तो 5 में रिपीट हुआ है, फिर जाकर के 9 में रिपीट हुआ है, फिर जाकर के 13 में भी रिपीट हुआ है। तो कई क्वेश्चन आपके कॉन्टिन्यूएशन में रिपीट होते हैं। यस, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, Swinburne, Swinburne ने इसको कहा है, वेरी गुड, Swinburne इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The line poets are the unacknowledged legislature of the world is by, ये लाइन किसने कही है? और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि किस वर्क में कही गई है, ठीक है? ये लाइन किसने कही है और किस वर्क में कही है? कोई बात नहीं अनीता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बार बार जैसे इसको दिए आपको पीडीएफ मैं सेंड करवा दूंगी और इसके बाद फिर आप इसको 2 से 3 बार आप सॉल्व करेंगी, सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो The poets are unacknowledged legislature of the world, ये किसने कहा है और किस बुक में कहा है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा कि ये किसने और किस बुक में कहा है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, यस वेरी गुड, डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये कहा है पीवी शैली ने और किस बुक में कही है अपनी? तो उन्होंने ये बात कही है डिफेंस ऑफ पोएट्री में, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट्री में उन्होंने अपनी इस बात को कहा है जो कि उन्होंने लिखा था 1821 में लिखा था इसको। और पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश उनकी डेथ के बाद हुई थी 1840 में क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, 1840 में ये बुक पब्लिश हुई थी, डिफेंस ऑफ पोएट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच पोम ऑफ शेली डू द फॉलोइंग लाइंस अकर, अलास आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर कम अराउंड। आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है। ओड टू द वेस्ट विंड स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या फिर टू अ स्काईलार्क या फिर एडोनास। आपको बताना है सही आंसर कि ये लाइन जो है कहां से ली गई है। अलास आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर कम अराउंड। जल्दी से बता दीजिए कि ये लाइन जो है ये कहां से ली गई है। जल्दी से अपने आप आंसर बताइए यहां पे। तो यहां पर आपके जो आंसर आ गए हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है और ये लाइन ली कहां से गई है? तो ये लाइन ली गई है स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से, ठीक है, कहां से ली गई है? स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से ली गई है। और ये जो वर्क है पीवी शैली का ये बहुत ही अच्छा वर्क है अगर हम कहें इसको तो। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज क्या है कि ये जो वर्क है ये उनका पेसिमिस्टिक मूड को रिप्रेजेंट करता है। ये उनका वर्क जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेसिमिस्टिक मूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट उनका वर्क है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ये बहुत ही फेमस लाइन है कि दैट कप ऑफ नॉट फुल ऑफ माई मेजर्स। इसकी एक लाइन और भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कई सारी लाइन इसमें से पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ दीज पोम्स बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी उनकी पोम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। द विच ऑफ एटलस, हेलास, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ या फिर द सेंसी। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा उनका ऐसा वर्क है, पोयम है, वर्क नहीं पोयम है, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी उनकी ऐसी पोएम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। द विच ऑफ एटलस, हेलास, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ या फिर द सेंसी। तो चलिए यहां बात करते हैं, अगर हेलास उनका लिरिकल ड्रामा है, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो थी वो टेरजा रिमा में लिखी गई थी, सेंसी ब्लैंक वर्स में है और विच ऑफ एटलस भी ब्लैंक वर्स में है, ठीक है, ये दोनों ही ब्लैंक वर्स में है। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ टेरजा रिमा में लिखी गई थी, हेलास जो है वो एक लिरिकल ड्रामा है, कोई स्पेसिफिक वर्स इसमें यूज नहीं है। द विच ऑफ एटलस ब्लैंक वर्स में है और द सेंसी भी ब्लैंक वर्स में है, दोनों ब्लैंक वर्स में है। तो अब कौन सा चूज किया जाएगा इसमें से? अगर ऐसी बात हो गई तो फिर कौन सा चूज करना है? तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोम्स, ठीक है, यानी हमको पोम को देखना है कौन सी पोएम है। द सेंसी आपको पता है क्या है? ड्रामा है, क्लोजेड ड्रामा,
ठीक है, ड्रामा है ये एक, और यस अंकिता देखो दोनों ही ब्लैंक वर्ड्स में है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक ड्रामा है। ये क्या है? लिरिकल ड्रामा, ड्रामा इन वर्स, लिरिकल ड्रामा यानी ड्रामा इन वर्स, और ये ड्रामा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, समझने की चीज है, पोएम के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन नहीं होगा। पोएम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दीज पोम्स बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो हमें जब दो ऑप्शन ब्लैंक वर्स का मिल रहा है तो हमें ये देखना है कि पोम कौन सी है। पोएम के बारे में पूछा है तो पोम कौन सी है, तो पोम है द विच ऑफ एटलस। ठीक है, द विच ऑफ एटलस उनकी पोम है, तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पर, द विच ऑफ एटलस को टिक करेंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि सेंसी क्या है, सेंसी उनका एक क्लासिकल लिरिकल ड्रामा है ना कि पोम, और हेलास भी उनका एक ड्रामा है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, है ना। हेलास क्या है, ये हेलास और द सेंसी ऑलरेडी कट हो जाएगा क्योंकि ये ड्रामा है, और द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है वो टेरजा रिमा में लिखी गई, तो ये भी कट हो गया। फिर बचा कौन सा, द विच ऑफ एटलस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। द टाइटल ऑफ शेलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी हैज, जिसे कि हैजलेट ने क्या कहा था, हैजलेट डिस्क्राइब्स इट एज न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ, फाइंड इट आउट। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको बताना है। योगेश, जो नंबर आपके साथ यहाँ पर पिंड है उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको फी से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जीआईसी हो, आप किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपके साथ शेयर किया गया है उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर है, उनकी कौन सी ड्रीम अलग रही थी जो कि अनफिनिश थी, तो हम जानते हैं कि उनका अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, दिस इज हिज अनफिनिश्ड वर्क। ये उनका कैसा वर्क है, अनफिनिश्ड है, इसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपनी डेथ के टाइम पे, ये सब राइट कर रहे थे लेकिन ये उनका वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली 1822 में उनकी डूबने के कारण डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेली सपोर्ट बायगेमी। आपको बताना है कि शेली ने किस वर्क में अपने बायगेमी को सपोर्ट किया है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि जिसमें उन्होंने क्या किया है, बायगेमी यानी दो मैरिजेस को क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन है एडोनायस, एलास्टर, इपिसेडियन या फिर प्रोमेथियस अनबाउंड। जल्दी से बताइए किसमें उन्होंने सपोर्ट किया है। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये जो उनका ड्रामा था, ठीक है, इसमें प्रोमेथियस अनबाउंड जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, इसमें निम्स का कैरेक्टर है, यानी निम्स जो कि समुद्री परियां हैं, जो कि समुद्र के देवता की बेटियां हैं, तो उसमें एक आशिया नाम की निम्फ है जो कि बिल्वेड है और उसकी एक कजिन है, और दोनों ही प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ लास्ट में रहने लगती हैं। ठीक है, थीके? तो यहाँ पर बायगेमी का मतलब होता है दो शादियां करना, तो यहाँ पर प्रोमेथियस के साथ दोनों ही रहने लगती हैं, तो इस प्ले में या ये जो लिरिकल प्ले है इसमें उन्होंने किसका सपोर्ट किया है, इसमें उन्होंने सपोर्ट किया है प्रोमेथियस अनबाउंड का। ठीक है, प्रोमेथियस अनबाउंड में उन्होंने दो शादियों का, एक अशिया है और एक उसकी फ्रेंड है, और दोनों ही क्या करती हैं, साथ में रहने लगती हैं, तो यहां पर दो शादियों को अगर सपोर्ट किया है उन्होंने तो प्रोमेथियस अनबाउंड में किया है। और आपको वैसे भी पता है कि शाली ने शादियां भी दो करी थी, है ना, दो शादियां करी थी शाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक विलियम वर्ड्सवर्थ डॉन केट्स फीबी शेली। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि टू डैफोडिल्स ये पोम किसने लिखी है। तो चलिए आपको मैं बताऊं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है उसका नाम है डैफोडिल्स, ना कि टू डैफोडिल्स। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है उसका नाम है, उसका नाम है डैफोडिल्स,
ना कि टू डैफोडिल्स। और यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है टू डैफोडिल्स, ठीक है। पीवी शैली ने ऐसी कोई नहीं लिखी है, तो पीवी शैली भी नहीं है, टू डैफोडिल्स इन्होंने नहीं लिखी। जॉन किड्स ने भी टू डैफोडिल्स नहीं लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी टू डैफोडिल्स नहीं लिखी है। टू डैफोडिल्स लिखी है रॉबर्ट हैरिक ने, ठीक है। रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है टू डैफोडिल्स। ध्यान रखिए, टू डैफोडिल्स किसने लिखी है? रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है। मिलता जुलता क्वेश्चन था, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि टू डैफोडिल्स जो है वो मिलता जुलता है, आपको लग रहा है कि एक ही ने लिखी है। जैसे यूलिसिस की जब हम बात करते हैं तो जेम्स जॉयस ने भी यूलिसिस लिखी है और टेनिसन ने भी यूलिसिस लिखी है, लेकिन एक का ड्रामा है यानी एक की नॉवेल है और एक का क्या है, पोयम है। तो मिलते जुलते जब नाम आते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है ना, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमको जहां पर मिलते जुलते नाम आ जाए। तो टू डैफोडिल्स रॉबर्ट हैरिक की है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हूम मैरी शेलीज फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन डेडिकेटेड। आपको बताना है कि मैरी शेलीज जो कि पीवी शेली की वाइफ थी, उनका फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन किसको डेडिकेट किया गया है, ठीक है, किसको डेडिकेट किया गया है। ऑप्शन है लॉर्ड बैरन, क्लेयर क्लेरमोंट, क्लैरी क्लेरमोंट है वो, विलियम गॉडविन या फिर पीवी शेली। जल्दी से बता दीजिए कि किसको डेडिकेट किया गया है। उनका जो फ्रैंकेनस्टीन था, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है जिसमें कि पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस भी मिलता है, इसका एक और नाम है और वो नाम है द मॉडर्न प्रोमेथियस। फ्रैंकेनस्टीन जो कि 1818 में आई थी और उसका मॉडर्न, उसका एक और नाम है द मॉडर्न प्रोमेथियस। इसको लिखा था मैरी शेली ने, इसका प्रीफेस लिखा है पीवी शेली ने, और ये वर्क जो है वो डेडिकेट किया गया है, यानी मैरी शेली ने डेडिकेट किया है अपने फादर विलियम गॉडविन को, ठीक है, अपने फादर विलियम गॉडविन को डेडिकेट किया है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who among the following is a cavalier poet? आपको बताना है cavalier poet इन चारों में से कौन है, हेनरी वॉगन, रिचर्ड कैक्रैश्यू या फिर जॉन सकलिंग या फिर एने फिंच। आपको बताना है कि cavalier poet कौन है। इसमें cavalier poet वो थे जो कि सिविल वॉर के ड्यूरिंग, मिल्टन के टाइम पे सिविल वॉर के ड्यूरिंग, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे, उनको cavalier poets कहा गया था। और आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन है कैवेलियर पोएट, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रैश्यू या फिर जॉन सकलिंग या फिर एन फिंच। तो जब हम बात करते हैं कैवेलियर पोएट की, तो बेन जॉनसन, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो एंड सर जॉन सकलिंग, ये चार ये जो पोएट्स हैं, ठीक है। रॉबर्ट हैरिक की बात करते हैं या फिर रिचर्ड लवलेस की बात करते हैं, थॉमस कैरियो की बात करते हैं या फिर सर जॉन सकलिंग की बात करते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं कैवेलियर पोएट में। और यहाँ पर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है जॉन सकलिंग से, ठीक है, जॉन सकलिंग से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये कौन है, ये है कैवेलियर पोएट, ठीक है। जॉन सकलिंग इज अ कैवेलियर पोएट जो कि मिल्टन के टाइम पे थे, प्यूरिटन्स, मेटाफिजिकल और कैवेलियर, ये तीनों ही मिल्टन के टाइम पर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेड नॉट ही अकर्स इन एडोनास, एपिसिडियन, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या फिर अलास्टर। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि क्या सही होगा यहाँ पर। द लाइन ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेड, इट्स डेथ इज डेड नॉट ही। चलिए अमृता, मीटर की पीडीएफ आपको नहीं मिली। यहां पर जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, जैसा कि मोस्टली लोगों ने दिया हुआ है एडोनास। ये जो लाइन है ये जॉन किड्स के बिहाफ पर एडोनास के लिए लिखी गई है, कि जैसे जो एडोनास था उसके बारे में बात की गई है, जैसे वो रिसरेक्ट हो गया था एक फ्लावर के फॉर्म में, ठीक है। जब एडोनास की डेथ हुई थी तो वहां से एक पर्पल कलर का फ्लावर निकला था और वो फ्लावर के फॉर्म में फिर से उसका रिसरेक्शन हो गया था, वो फिर से जीवित हो गया था। इन द सेम वे जो किड्स है उसकी पोएट्री, जब भी हम उसकी पोएट्री को पढ़ेंगे तो वो एक बार और जीवित हो जाएगा, यानी डेथ की डेथ हुई है उसकी, डेथ नहीं हुई है, वो तो हमेशा ही जीवित रहेगा। और ये जो लाइन है
ये लाइन एडोनाइस से ली गई है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. यस, विलियम गॉडविन इज द फादर ऑफ मैरी गॉडविन, यानी मैरी शैली, जिनकी शादी के बाद उनका नाम मैरी शैली हो गया था. Which book is based on Godwin's political justice? The Revolt of Islam, The Sensi, Queen Mab या फिर None of These. आपको बताना है कि विलियम गॉडविन का बहुत इफेक्ट था पीबी शैली पर, और कौन सी बुक है पीबी शैली की, कौन सा वर्क है पीबी शैली का जो कि विलियम गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द सेंसी, क्वीन मैब या फिर None of These. जल्दी से बता दीजिए कि सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर. तो अगर आपको मैं यहां पर बताऊं सही ऑप्शन की बात, तो ऑप्शन आप ए भी दे रहे हैं, बी भी, सी भी. ए का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सही ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सही ऑप्शन है क्वीन मैब, अ फिलोसॉफिकल पोयम, क्वीन मैब, जिसमें उन्होंने आइडिया ऑफ नेसेसिटी की बात करी है. आइडिया ऑफ नेसेसिटी या फिर आप जिसको क्या कह सकते हैं, जो कि उनकी पॉलिटिकल जस्टिस से इंस्पायर्ड था. ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस में जो आइडिया ऑफ नेसेसिटी दिया गया है विलियम गॉडविन का, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था. और ये कौन सा वर्क है उनका, क्वीन मैब. ठीक है, 80 यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 26 का वो है क्वीन मैब, सी वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वैनिस बट कैन डाई नॉट, These lines are from. आपको बताना है कि ये फेमस लाइन, ये खूबसूरत लाइन कहाँ से ली गई है. ठीक है, ये जो खूबसूरत लाइन है ये कहाँ से ली गई है, कि लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वैनिस बट कैन डाई नॉट, द सेंसी, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, हिलर्स या फिर None of These. जल्दी से बता दीजिए. तो यस, सी आंसर इज वेरी करेक्ट. अमृता, वो सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप एक बार ग्रुप चेक कर लीजिएगा, उसमें पढ़ी होगी. तो चलिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, हिलास जो है वो सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, हिलास की ये लाइन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सेलीज लाइफ एंड हिज पोएट्री आर डिजोल्बली करेक्टेड, ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट, हुज कमेंट इज दिस. आपको बताना है कि ये कमेंट किसका है. जल्दी से बता दीजिए कि शेलीज लाइफ एंड हिज पोएट्री आर डिजॉल्युबली करेक्टेड, ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट, हुज कमेंट इज दिस. कॉम्प्टन रिकेट, जॉन एडिंगटन साइमंड्स या फिर लॉन्ग या फिर जॉर्ज सैमसन. चलिए, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो है आपका कि ये जो कमेंट है सली पर, ये दिया है किसने, ये दिया है जॉन एडिंगटन साइमंड्स ने. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. जॉन एडिंगटन साइमंड्स ने ये कमेंट किया है, ना कि कॉम्प्टन रिकेट ने, ना कि लॉन्ग ने, और ना ही ये जॉर्ज सैमसन ने. ये कमेंट जॉन एडिंगटन साइमंड्स का है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है. नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लाइन द वन रिमेन्स द मेनी चेंजेस एंड पास अपीयर्स इन. ये जो फेमस लाइन है ये किस में आई हुई है, द वन रिमेन्स द मेनी चेंजेस एंड पास. जल्दी से बता दीजिए कि ये लाइन जो है ये किस में आई हुई है. बहुत ही अच्छी लाइन है, द वन रिमेन्स द मेनी चेंजेस एंड पास. जल्दी से बता दीजिए कि ये लाइन किस में है. यस, इन मोरियम या द प्रिंसेस एंडिमियन या फिर एडोनिस. तो चलिए, ये जो लाइन है ये फिर से पीबी शैली के फेमस वर्क, फेमस पास्टोरल एलिजी जो कि किड्स की डेथ पर लिखी गई थी, एडोनिस की है. ठीक है, एडोनिस की ये लाइन है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, नॉट बी. डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओके, नॉट बी बट डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, एडोनिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, सिलीज मास्क ऑफ अनार्की इज, सिली की जो मास्क ऑफ अनार्की थी वो क्या थी, इपिक है, नॉवेल है, सटायर है या फिर None of These. आपको बताना है मास्क ऑफ अनार्की जो है वो क्या थी. जल्दी से बता दीजिए, शेली ने इसमें मास्क शब्द यूज किया है, एम ए एस के, और बाद में जब ये प्रिंट हुई है तो इसमें मास्क कर दिया गया था. और ये क्या है, तो ये एक सटायर है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर सटायर किया गया है. इसमें
जो उस समय की अथॉरिटी थी उनके ऊपर सटायर किया गया है। इसमें इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म की बात की गई है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की गई है। तो ये है क्या, ये एक सटायर है, ठीक है। मास्क ऑफ अनार्की बहुत ही फेमस है और किस पे है ये, एक सटायर है ये, ठीक है। पीटरलू मास्कियर से भी इंस्पायर्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माई फादर्स डेथ। आपको बताना है कि ये लाइन कहां से ली गई है। बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माई फादर्स डेथ, द सेंसी, द क्लाउड, द प्रोमेथियस अनबाउंड या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन, यस, वेरी गुड। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सी नी, सॉरी, आई एम सॉरी, द सेंसी, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओके। ए ऑप्शन जो कि द सेंसी है, जिसको मैंने बताया कि क्या है ये एक ट्रेजेडी है और इसमें जो कैरेक्टर है दो, जो कि रियल एक इवेंट से इंस्पायर्ड थी ये ट्रेजेडी, तो इसमें जो कैरेक्टर है वो अपने फादर की हत्या कर देती है, अपने फादर का मर्डर कर देती है, और क्योंकि उसका जो फादर होता है बहुत ही ट्रचरस होता है, तो इस वजह से वो अपने फादर का मर्डर कर देती है और पूरी सेंसी फैमिली जो है उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो द सेंसी बहुत ही एक ट्रेजिक ड्रामा है उनका, और इसी से ये लाइन ली गई है कि बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माई फादर्स डेथ। नेक्स्ट देखिए, Which poem is the tragedy of idealist who seeks in reality the counterpart of his ideal? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी poem है जिसमें जो speaker है वो क्या करता है, अपने counterpart को ढूंढता रहता है और last में उसकी death हो जाती है, और death के साथ उसकी जो ये quest है, quest for searching ideal, beauty, ये एंड हो जाती है। तो आपको मैंने ऑप्शन हिंट भी दे दिया है कि सर्च ऑफ आइडियल ब्यूटी जो है, क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी की सर्च में वो भटकता रहता है और एट द एंड उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यस, अलास्टर, द प्रोमेथियस अनबाउंड, एपिसीडियन या फिर नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ अलास्टर, द सब टाइटल ऑफ अलास्टर क्या था, द सब टाइटल ऑफ अलास्टर, और अलास्टर जो टाइप जो टाइटल है ये किसने दिया था। जल्दी से मुझे ये कमेंट करके आप बताइए कि अलास्टर किसने दिया था, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी अगर आप नहीं बताते हैं तो, कि अलास्टर टाइटल किसने दिया था। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है अलास्टर की, और ये इसका, यस, वेरी गुड, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, वेरी गुड। इसका जो नाम था एक और वो क्या था, स्पिरिट ऑफ, सॉलिट्यूड, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड था, और दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करते हैं, यस, वेरी गुड, थॉमस लव पीकॉक, वेरी गुड, थॉमस लव पीकॉक ने इसे ये टाइटल दिया था जिसका मतलब होता है इविल जीनियस, और ये जो इविल जीनियस वर्ड यूज किया गया है, ये यूज किया गया था उनके इमेजिनेशन को जो है वो प्रोवोक करने वाली स्पिरिट के लिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट, हूज वर्ड्स are these and about whom? Very good question this is. जल्दी से बताइए कि the most gentle, the most amiable and the least worldly minded person I ever met. Which words are these and about whom? Sally about Baron, Sally about kids, kids about Sally or Baron about Sally. जल्दी से बता दीजिए कि ये लाइन किसने लिखी है, किसने कही है। तो जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं क्योंकि टाइम एंड हो रहा है यहाँ पर, और मैं आपको बताऊं कि सही आंसर जो है वो है आपका डी वाला, यानी बायरन अबाउट शेली। बायरन ने ये बात शेली से कही थी, जब बायरन से शेली मिलने गए थे तो उन्होंने उसके बाद शेली के लिए ये लाइन कही थी, और उसके बाद उन्होंने बताया था कि विलियम गॉडविन जो है आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं, और उसके बाद शेली जो है वो विलियम गॉडविन के पास चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हूज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड,
Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. आपको बताना है ये द टेम्पेस्ट की लाइन्स है और ये द टेम्पेस्ट में एरियल ने, जो स्प्रिट था एरियल, एयरली स्प्रिट, उसने इस लाइन को कहा था और ये लाइन किसकी ग्रेव में इंस्क्राइब की गई है, शैली, टेनिसन, कीट्स या शेक्सपियर? तो सही ऑप्शन शैली है. वेरी गुड. शैली की जो ग्रेव है उसमें ये जो लाइन्स हैं इनको इनको क्या किया गया था, इंस्क्राइब किया गया था. और ये लाइन किसने बोली थी? तो ये लाइन बोली थी एरियल ने, जो कि द टेम्पेस्ट की एक एयरली स्प्रिट थी. ठीक है, वेरी गुड. शैली, शैली इज करेक्ट. बिल्कुल सही आंसर है आपका. शैली इज करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Noel Coward was so inspired by Shelley's Skylark that he gave the title to his comic play from the words of the first stanza. The title is, आपको बताना है कि शेली ने जो टू आई स्काईलार्क लिखी थी उससे एक ऑथर थे Noel Coward, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपने कॉमिक प्ले का नाम उनके फर्स्ट स्टैंजाज के एक वर्ड से रख दिया और आपको उसी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड कौन सा है. ब्लिदे स्प्रिट या फिर इमॉर्टल सोल या फिर नॉट बॉर्न फॉर डेथ या फिर नन ऑफ दीज. मैंने अपने कोर्स में अपने इस को पढ़ाते वक्त, टू स्काईलार्क को पढ़ाते वक्त इस बात को नोट डाउन कराया था आपको कि Noel Coward ने अपने वर्क में इसका नाम लिखा है और साथ ही साथ आपको बताया था कि थॉमस हार्डी ने भी इस पे वर्क लिखा था, शेलीज स्काईलार्क. ठीक है, तो यस बिल्कुल सही आंसर आपका ए वाला है. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ब्लिद स्प्रिट, हेल टू द ब्लिद स्प्रिट. तो ये जो ब्लिद स्प्रिट है ये टाइटल दिया था Noel Coward ने अपने कॉमिक प्ले का और शैली के ऊपर थॉमस हार्डी ने भी लिखी थी क्या, शेलीज स्काईलार्क. शेलीज स्काईलार्क ये लिखा था किसने? थॉमस हार्डी ने. तो आपको याद रखना है Noel Coward ने ब्लड स्प्रिट लिखी थी टू आई स्काईलार्क की पहली लाइन से, ओपनिंग लाइन से इंस्पायर्ड होकर के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. शेली रोड डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रिस्पॉन्स टू. आपको बताना है कि शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री जो लिखी थी वो किसके रिस्पॉन्स में लिखी थी? जल्दी से बता दीजिए कि किसके रिस्पॉन्स में लिखी थी, जल्दी से बता दीजिए. His apology for poetry, Wordsworth, Prelude, Keats, Endymion, या फिर Thomas Lofty Cox, the four essays of poetry. तो सही ऑप्शन ना तो ए है ना तो सी है और सही ऑप्शन है यहाँ पर डी, Thomas Lofty Cox. Thomas Lofty Cox ने the four essays of poetry लिखी थी और उसी के रिस्पॉन्स में शेली ने अपनी the defense of poetry को लिखा था, जो कि एक बहुत ही फेमस एसे है. The defense of poetry is very famous essay of Shelley, P.B. Shelley, और उसको उन्होंने लिखा था response के तौर पर Thomas Lofty Cox के The Four Essays of Poetry के, जो कि एक article था. The character of Marlowe's baby daughter in Julian and Marlowe is based on. आपको बताना है कि जो जूलियन एंड मैडलो एक कन्वर्सेशन पोयम है उसमें मैडलो की डॉटर का क्या नाम है? सलीज डॉटर, शेक्सपियर्स डॉटर, वर्ड्सवर्थ डॉटर, बैरन्स डॉटर, एलेग्रा. जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा. यस, सलीज डॉटर तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज और पहचान लेना है कि मैडलो के बेबी की बात की जा रही है और मैडलो जो है वो सिंबल किसका था? मैडलो जो है वो सिंबल था किसका? बैरन का था. और जूलियन जो सिंबल था वो किसका था? शैली का था. और यहाँ पर बैरन की डॉटर की बात हो रही है तो बैरन की डॉटर एलेग्रा थी, जो कि बैरन और क्लैरिक ट्रेयरमॉन्ट की बेटी थी. ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूलियन मैडलो में जूलियन और मैडलो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि जूलियन शैली को और मैडलो जो है वो बैरन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट देखते हैं, शेली कोट्स द फॉलोइंग लाइंस इन हिज पोम अलास्टर फ्रॉम द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू सॉकेट. ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किसी एक
बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा आपको सही नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से रिवील हो चुका है, सॉरी इसके लिए टाइपिंग का। ये जो है यहाँ पर ए यहाँ पर है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन्स, ये एक्सकर्जन्स है, स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी है यहाँ पे। वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन्स, शेक्सपियर्स हैमलेट, होमर्स इलियड और वर्जिल्स एनीड। तो अगर हम बात करते हैं मंजूर, जो समरी है ऑलरेडी पीबी सेली मेरी क्लासेस में खत्म हो चुके हैं, सारी समरी विद डिटेल विद पॉइंट्स विद नोट्स मैंने कराई है, और आपके लिए भी फ्री में जो क्लासेस है वो इतनी सारी लेनी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी होगा पॉसिबल मैं जरूर करवाऊंगी। और अगर आपको सारी समरी नोट्स वाइज चाहिए तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो उनकी कोटेशन है, ये जो लाइन है अलास्टर की, ये ली गई थी वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन से, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है, जो कि टाइप बहुत गलत हुआ है, ठीक है। तो टाइप बहुत गलत हुआ है और द एक्सकर्जन से लिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है और आपकी जो ये सीरीज है ये भी ओवर हो चुकी है। तो चलिए, इन विच वर्क डू वी फाइंड द कैरिकेचर्स ऑफ कॉलरिज, बायरन एंड सेली। आपको बताना है कि कैरिकेचर्स जो कि कार्टून टाइप से होता है वो किस वर्क में हमको मिलती है, थॉमस लो पीकॉक के नाइटमेयर एबे में, या फिर वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड में, कॉलरिज की कुबला खान में, या फिर जॉर्ज ऑरवेल की एलिमेंट फॉर्म में। आपको बताना है कि किसमें हमें तीनों का कैरिकेचर मिलता है, जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। और क्या सही होगा जल्दी से बताइए। तो चलिए, ये जो वर्क है वेरी गुड, थॉमस लव पीकॉक की है, नाइटमेयर एबे, और ये आई थी 1818 में, नवंबर 1818 में, ठीक है, 1818 में आई थी। और इसमें क्या किया गया है, उस समय के लिटरेरी ट्रेंड्स का फन किया गया है, ठीक है, इसकी एक नॉवेला है, ठीक है, क्या है, नॉवेला यानी छोटी सी नॉवेल है, और इसमें उस समय के लिटरेरी ट्रेंड्स के ऊपर फन किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, और इसमें कॉलरिज, बायरन और सेली को एज अ कैरिकेचर, ठीक है, एज अ कार्टून रिप्रेजेंट किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, थॉमस लव पीकॉक। तो ये थी आज की सीरीज, पीबी शैली पर बेस्ड थी, पीबी शैली के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सारे ही यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब इससे ज्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई मैं आपको टीजीटी पीजीटी जीआईसी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, क्लास से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, या क्लास की टाइमिंग से रिलेटेड, तो आप ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और या तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 9451216656 पर, और या तो फिर आप क्या करिएगा, कॉल कर लीजिएगा, दोनों में से किसी भी नंबर पर, ठीक है। तो चलिए, ओके, बिल्कुल पीडीएफ सेंड कराएंगे प्राची का। थैंक यू वेरी मच। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो दो काम करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां भी आप चलाते हो, इंस्टा पे तो नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप शेयर कर सकते हैं लिंक, आप चाहें अगर तो ये शेयर करिएगा वीडियो, और साथ ही साथ लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।